ये फुटेज कभी अपलोड होगा कि नहीं पता नहीं, बट हमेशा हमारे पास एक मेमोरी होगा कि सोन का एक्सीडेंट हुआ और सोन को मुंह पे लग गया। मेरे लिए लाइफ लॉन्ग लेसन रहेगा ये, पता कभी नहीं होगा करके बड़ हो गया। मितेश किसी को तो फोन पे 25 घंटे से पूरा एक्सीडेंट नरेट कर रहे हैं। ये जो प्रजापति के लोग होते हैं जिनको वुंड्स को टच कर करके पूछना होता है कैसा है कैसा है कैसा है, इसे दबा के कैसा फील हो रहा है कैसा फील हो रहा है कैसा, क्यों कर रहे थे ऐसा उसके साथ टच क्यों? गाइस केजी बॉयज आर ऐसा करेगा अभी अभी मैं जो बोलूंगी वो डालूंगी नहीं, लेकिन मैं तो ऐसा करेगा अभी मैं क्या बोल रही थी कि केजी पर वो मैं बीप करूंगी ना हंसमा था मितेश। अभी हम लोग माफिया खेल रहे हैं, मेरे को याद है व्लॉग करने की तुमने सोफा वोफा खींचा तो मेरे को लगा वाओ कुछ एंटरटेनिंग होने वाला है। हां भाई जोगिंदर पुजिंदर तो हम लोग माफिया खेलने वाले हैं एंड वी विल सी हाउ इट गोज। वैसे तो हम लोग जब भी माफिया खेलते हैं सब में बहुत झगड़ा वगड़ा हो जाता है, बहुत झगड़ा होता है, इतना आर्गुमेंट हो जाता है और फिर जैसे गेम खत्म होता है सब भूल जाते हैं कि झगड़ा हुआ था। सो रक्षित को क्या लगता है झगड़ा होगा? हाँ रचिता और सलोनी, हाय सलोनी। सलोनी को व्लॉग में किसी ने देखा नहीं, पर रचिता को भी नहीं आई है कभी कोई व्लॉग में? आई आई है, वो आई है तेरे व्लॉग में जब यूट्यूब से पहले कुछ नहीं था तब व्लॉग में आती है। क्या पका रहा है यार, मेरे को नहीं लगता रचिता का इसके व्लॉग में मैंने देखा है। तो आई है, एक मिनट तू आई है मेरे व्लॉग में तो बाबा कौन है? ओ वड़ी वड़ी आई बाबा 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 चल लेट्स बिगिन द गेम इज स्टार्टेड। अच्छा स्टाइल वेल मार रहा है साहिल को लग रहा है सलोनी माफिया है, सलोनी बोल रही है आई एम नॉट द माफिया। और साहिल मुझे बोल रहा है कि जो भी सलोनी को समझाना है इंग्लिश में समझाओ। क्यों भाई फॉरेन की है क्या? और अक्षय देखो कौन लग रहा है? सेकंड गेस तू मेरे पे लेना। अरे उस पे दो जाएगा तेरे पे, उस पे दो जाएगा, उस पे दो क्यों जाएगा? ये लोग उस पे डाल रहे हैं। अरे भाई ये डाल दो ना भाई को, काई को बोल रहा है देखो। हां वही बराबर बोल रहे हैं, मेरे पे डाल चलेगा मेरे को ऊपर अभी। अच्छा तू सलोनी को सेव कर रहा है? क्यों नहीं नहीं तू सलोनी को सेव कर रहा है? अरे सेव का बात नहीं है, अरे विक्रांत पिछले दो महीने से बीमार था। हाय विक्रांत आज ना आया 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद। अच्छा दोनों माफिया मरा हुआ चाहिए पहले टाइम में, ये एक ही राउंड बचा है। अरे तू भड़क रहा है, टोपी निकल इसका। मेरा बोल रहा हूँ दूसरी बात, ठीक है मैं बोल रहा हूँ। ओके हो गया टाइम, प्लीज 51 चल दूसरी बात मेरे को पहली बार में लेते बस, मैं रेडी को पहली बार में ले तुम्हारा गेस्ट बस सेफ प्ले कर रहा है बहुत। मेरे पे लो तुम्हारा पहला गेस्ट पे 500 रुपए शरद चल बता जरा यस इधर क्या चालू है? क्या चालू है इधर?
हो गया टाइम, चलो 15 मिनट हो गया। अच्छा रुको, ए और मितेश कौन लग रहा है? रचिता वन, ऐसा हाथ रख वन, हाँ सलोनी साहिल वन रख, रचिता मितेश वन रख, सलोनी सलोनी वन रख, वन रख हाँ रख, साहिल थ्री। अबे दो हो गया ना मेरा, ये और ये इसने रचिता को किया और मैंने मितेश को किया, तो मेरे पे दो कैसे आया? तो तू किस पे कर रहा है? इसने भी किया ना, लॉक कर दो, लॉक कर दो, लॉक कर दो। मैं बोला रॉक मत करो, तुम लोग नहीं समझ रहे हो, तुम लोग हाथ हो गए। ओके लास्ट नाइट, ये वापस वापस या अल्लाह वापस हो जाए, हो जाए हो जाए हो जाए। मैं बोल रहा हूं तुम लोग मेरे को मत करो या अल्लाह प्लीज, मैं बोल रहा हूं हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बोल रहा हूं रक्षा, रक्षित रक्षिता रक्षा रक्षा करो मेरी, मैं बोल रहा हूँ दूसरे, मैं बोल रहा हूँ अभी मेरे को करो, बट एक मिनट टाइम हो गया। तुम लोग हारोगे और मेरे मेरे पैर में आके रोओगे दोनों, मैं नहीं रोएगा। हो गया हो गया, बोलो सलोनी है। ओके लास्ट नाइट साहिल वाज किल्ड, लास्ट नाइट अगर तुम्हारा केस रॉन्ग रॉन्ग होएगा ना कुछ पैसे का नहीं, मैं बोलता हूँ दूसरे केस में सलोनी करोगे? नहीं बाद में कन्विंस करने वाला कोई नहीं, और ये दोनों में कुछ भी मतलब मैं तो अभी भी तेरे पे था, मैं बोल रहा हूं मैं इसके ऊपर डाल दिया, क्यों डाल इतना ये पर ये वो भी देख रही है तू, तू ये दोनों को नहीं जानती है। मेरे को वो दिन मेरा मैं पुलिस था, मेरे को बोलते कि जॉइन है जॉइन, मेरे को पता था सॉरी नहीं जाऊं मैं, देख रहा था सॉरी नहीं जानता, इसके साथ में जो हुआ ऐसे मेरे साथ नहीं कि सबके साथ में ऐसा हुआ। लेट्स मूव ऑन विद द गेम, व्हाट हैपेंड? हां नथिंग हैपेंस, हां कुदरती बेटा बोला। ओके लास्ट नाइट साहिल वाज किल्ड, नाइट खत्म चुप, साहिल साहिल हो गया, एक मिनट दे मेरे को। अच्छा चल चल दूसरे गेस में लोग रचिता को लेंगे और तुम्हारा गेस रॉन्ग पड़ेगा, मैं अभी बोल रहा हूं पहला गेस राइट गिराओ और सलोनी को लो, वो खुद को सेव क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उसको पता है वो सेव हो रही है इसकी वजह से, मैंने तो नहीं सेव किया उसको, मैंने सेव किया ही नहीं उसको। अच्छा उसने एक भी बार बोला क्या कि मैं नहीं हूँ? क्योंकि उसके पास ब्लेम गया है, उसने एक बार बोला कि मेरे को मत करो, अब वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि मेरे को मत करो मेरे को मत करो, उसने बोला क्या, उसने बोला क्या, उसके बाद उसके बदली कौन बोल रहा है? स्पोक्स पर्सन कौन बन रहा है? ओके साहिल साहिल हो गया, एक मिनट लास्ट नाइट, हाँ 10 मिनट हो गया लास्ट नाइट साहिल, लास्ट नाइट मेरे को एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करना है। ओके सब लोग यहाँ पे देखो, लास्ट नाइट साहिल वॉज किल्ड एंड साहिल वॉज नॉट द माफिया। खत्म हो गया गेम, एंड द एक मिनट मेरे को ये मोमेंट रिवील करना है, एंड द माफियाज वर रक्षित एंड मितेश। हाँ तूने सस्पेक्ट किया था कि रक्षित है, तो तेरे को रक्षित को मारना चाहिए था पहले, पर तेरे को डायरेक्ट करना चाहिए था। अरे मेरे को डाउट है रक्षित पे, क्यों पुलिस थी? जस्टिफिकेशन टू बेचारा साहिल मर गया पूरा। सोहन है, ओ सोहन उसको पता नहीं, विक्रांत है यहाँ पे। रुक रुक रुक, ये कौन है? सोन है, हाँ फिर खोल। हाय सोन, हम लोग माफिया खेल रहे थे, बहुत झगड़ा हो रहा था। रक्षित कैसा आया? हाय
Someone is just entering the vlog. But I didn't know that Akshay was also here. क्या बोला तूने? ये सेंसर नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा गाइस. Please ask her what was the beef part. I'm not putting it. 79.5 बाद मिलके दो हफ्ते बाद मिल रहा ब्यौड़े को मैं ये एक्चुअली लोगों को नहीं पता कि विक्रांत ऑलमोस्ट 2 महीने से बहुत बीमार था. डेंगू मलेरिया और क्या क्या टेस्ट करवा लिया पर कुछ नहीं था. शी यार डिस्गस्टिंग भाई नीचे चिपचिपा लग रहा है कुछ. विक्रांत क्या किया तूने? चलो नहीं स्प्राइट क्या किया सलोनी सोहन पहली बार मिल रहे हैं. ऑकवर्ड इंटरेक्शन. सोहन और सलोनी. वाह वाह. सो चल मितेश चप्पल पहन के पहले गाना गाइए. सोहन भाई आना भाई ना गाना गाए. सोहन भाई ना भाई को ना किधर इधर आओ जगह बना दो. बैठो सामने. ये नाइस सामने मेरे सामने बैठ इधर बैठ इधर. ये जजमेंटल लोग हैं इस कन्नू गैंग में. मेरे को पहले तो इनको पिन पॉइंट करना है. क्या पिन पॉइंट? क्या पहले बोलना सीखो. पिन पॉइंट करना है इनको जिनको बोलना ही नहीं आता. हर बार इतनी बोल बोल तो हर बार तो वो कि पिन पॉइंट करना है. बाकी वो पिन पॉइंट करना है कि एक मिनट क्या एक काम करिए बहन जी पान थूक के आइए पहला फिर बात करिए. गुजराती मीडियम से होके मेरे को तो मत बोलो. गुजराती मीडियम में तो क्या मेरे को क्या बोलना था? इसने बराबर किया. हिपोक्रेटिक नहीं हिपोक्रेटिक हिपोक्रिटिकल बोलना था मुझे. हिपोक्रिटिकल ठीक है ना. लग गया ना. ये जो हिपोक्रिटिकल लोग हैं कन्नो गैंग में मेरे को पहले इनको पॉइंट पॉइंट कर पड़ो. तो ये चोइन का कॉल आ रहा है. नहीं जम रहा. दीद नहीं जम रहा. चोइन चोइन वो अपनी गलती कवर अप करने के लिए मुझे फोन कर रहा है क्योंकि सागर ने ग्रुप ज्वाइन करने से छोड़ा है. तो मैंने उसको बोला अपोलोजाइज इफ यू आर रॉन्ग. तो पूछे फोन करे कि मैं क्यों अपोलोजाइज. क्या मेरे को पहले दो लोग है इस ग्रुप में जो खुद कमेंट पास करते हैं दूसरों के ऊपर. और जब मैं स्टार्ट करके बोलते हैं अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए अस्तग़फ़िरुल्लाह ये क्या बोलते हैं. ओ माय गॉड. अभी ये बताइए किसके ऊपर कमेंट पास किया है. बड़ी वो बन गई ना स्ट्रेट फॉरवर्ड. नहीं हूँ मैं. बोलो नहीं हूँ. कौन है? तू बता ना. मैं तो हूँ हिपोक्रिटिकल. किसी का नाम लेके इंसैनिटी तो होता है. इंसैनिटी होता है क्या होता है? हाँ अभी बोल इंसानिटी होता है. इंसानिटी होता है. इंसानिटी होता है. हाँ इंसान का नाम बता. उधर इंसानिटी होता है. नोबल इंसानिटी होता है. चुप बैठ. हिपोक्रिटिकल बिहेवियर. कोई उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है. वो निकलेगा. शरद तुझे क्या लगता है कि वो कैसा था? कौन कैसा था? 2 साल पहले मेरा पहले तो ये जेंडर गलत कर रही है. ये बीप होने वाला है कि 2 साल पहले सब ऐसे शरद तो कितनी जजमेंटल और मैं बोल रही थी बनी इन्फ्लुएंसर. इन्फ्लुएंसर मैं कंटेंट क्रिएटर बनी. इन्फ्लुएंसर मैं जज नहीं करती थी और वही हमको नाच लग गई बहुत गलत. मैं ट्राई कर रहा हूँ
मैं उसमें जाने वाला हूँ, ये ओपन चरस छुड़ाने किसमें आते हैं रिहैब, मैं रिहैब में जाने वाला हूँ कि मेरा हिपोक्रेसी छूटे। ये कुर्ला बोला तो सबसे बड़ा हिपोक्रेट पर्सन इस ग्रुप में साहिल है, जिसने टॉपिक खोला और बोला ओके सब बोला मेरे को बात करना है, मेरे को खोला शुरू किया। अरे मेरा सुनो ना, ये छपरी लो ईस्ट के, ईस्ट के, इधर इधर ये मेरा सुन, होता क्या है मेरे को मतलब पता, भिंडी क्या बोल रहे दोनों लोग कब से हिपोक्रेटिक मीटिंग मार के ये पुलिस का पब्लिक और ये कुरला इस ईस्ट के छपरी। अच्छा क्या होता है हिपोक्रिटिकल पर्सन, बोल दोगला इंसान और एक ही होता है। अरे बट दोगला इंसान जो कि मतलब ओहो मुंह पे ओहो अच्छा नहीं, अच्छा तूने क्या किया फिर, और फिर गया तो तेरे चाचा के भाई के बेटे ने स्टार्ट किया समझा, वो तू ही है तो तू तो झूठ, तो तेरे चाचा बोलता है। नहीं बोलते, मैं चाचा नहीं, चाचा तो मर गया, चाचा नहीं तू कैसी लगती है कर। सीता फलोपी चिको ओके आगे पीछे मेरे उससे पीना तेरे चम्मच से। ए यार ये साहिल के इतने नखरे हो, तेरा खुद का चम्मच लेके आओ, झूठा नहीं खाता, नहीं खाता भाई, तो उसके जो चम्मच उसके चम्मच में उसका झूठा में सब लोग इसके कमेंट्स में था चैट में जिधर भी डालेगी उधर बताना कौन कौन झूठा नहीं खाता, तब पता चलेगा। मैं भी नहीं खाती, झूठे नहीं खाने वालों की आबादी बहुत ज्यादा है। तेरा कौन सा सुनना, जब बीवी आएगी ना तब रुक जा, ये सब इसमें नहीं बोलते, जब बीवी आएगी ना तब पता चलेगा कौन किसका झूठा खाता है, पता चल जाएगा तब। क्या बोले जा अपना अपना ओट से ओट लेके, बोले अपना ओट से ओट ले और मेरा है वाटरमेलन विदाउट आइस, बहुत अच्छा है। स्पीकना आता है कुछ स्पीकना, मैं इंग्लिश स्पीकता हूँ, थूक स्पीकता हूँ, थूक स्प्लिटता हूँ नहीं, थूक स्पिटता हूँ नहीं, थोड़ा आराम से मार रहा है एक्टिंग में आराम से मारा जाता है, जोर से नहीं मारे। अच्छा भाई साहब नहीं नहीं, अरे सोन चश्मा बस टूट जाएगा, सोन पागल है क्या तू, देख हम दोनों को चश्मे का लेवल पता है तो लेगा गया, मेरे को पता है तेरा नहीं मेटल का है, तेरा नहीं टूटेगा एक्सपीरियंस, उल्टा तेरा ही गलत है प्लास्टिक। मैं क्या बोलता हूं, हाथ रखता हूं ऐसा, अरे नहीं जरूरत है, तू भरोसा है कि नहीं, नहीं है ये प्यार रद्द है बस, क्या है रद्द है, रद्द है ला वापस मेरे पूरे 300 वाले जो मुंह में लिए थे, आई मीन क्या पप्पी दिए थे ला, चश्मा लगा भरोसा इसीलिए वापस कैमरा में नहीं आया, आज ये गोल्डन मिले सपना आ गया कैमरे में, इसको मार के बता, आज ये गोल्डन मिले सपना होता है, इसको क्या बोलो ये भरोसा ये तेरे का बता भाई, दिल एक सर्दी को भी दिल दरिया समंदर है अपना, एक सर्दी को भी लड़की पे हाथ नहीं उठाता, वो रुक जा भी लड़के में के मोड में आने दे उसको, अ पेरेंट मतलब क्या होता है, बाबूराव गणपतराव आप देखो फायदा होएला पर तू बोला नहीं, आई एम बोर्न टू बी बोर्न To be boy. ऐसे सड़ेले जोक्स मार के खुद हंसने का कॉन्फिडेंस कहाँ से? I am born to be boy. Hi guys, welcome to this vlog on my channel. Hi. बहुत flash, बहुत आग पे जा रहे हैं. बोल मराठी मध्ये. तू काय चैट करते इस फोन वर इथे बघ. चैट नहीं, notification हटा रहा हूँ. हिंदी मध्ये नको बोलूस. हटवा तो. एक्चुअली वी वर नॉट सपोज टू मीट टुडे बट वी मेट, और फिर हमने खाना खाया कैंपा में, पर बहुत ही शान पट्टी मारने के लिए मैंने बोला वॉकिंग करते हैं, और फिर बीच में बारिश हो गया तो अभी हम लोग अटक गए, तो हम लोग भीग गए, भीगी तो मेरी आँखें क्या बोल रहा है यार, वेट तू जोक मारे तो मेरे को हैबिट हो गया, मतलब लड़कों के साथ हैंग आउट करने का थोड़ी देर पहले मैंने भी बहुत अच्छा जोक मारा था, पर वो नहीं शी कितना गंदा है तू, ऐसा कुछ नहीं था, इससे थोड़ा बेटर था, इससे अच्छा असली जोक बोल देते वो ज्यादा बेटर होता, बट नहीं। और मितेश कैसे चल रहा है, चालू कर दिया तेरे कुछ बोला भी नहीं, वैसे पूछ लो, और मितेश मेरे को पता चल गया तू गुफी को वही टॉपिक पे आने वाला है, मुझे पूछ रही थी कल के, मितेश का लाइफ बहुत एक्साइटिंग है, हम लोग का सब दिन चालू है।
लेन चल रहा है तेरा पता है सबको क्या चल रहा है हम लोग का फुल वेवी है वेवी डेड प्लेन चल रहा है कुछ समझ नहीं रहा क्या चल रहा है तेरा भाई एकदम मस्त चल रहा है झूठ बोलता है बोलता है प्लेन चल रहा है कुछ समझ नहीं प्लेन में उड़ रहा है तू तो साहिल हंस के बता दिल से हंस के बता मस्त आया भाई दिल दिल के साहिल इतना जोर से हंस के बता कि अंकल देखो देखने चाहिए दम है तो हंस के बता नहीं वो कुछ नहीं और एक अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट फाइनल फाइनल अटेम्प्ट अरे मजा नहीं आया यार इज नॉट लुकिंग गुड मोबाइल गिरा दे और सुन तो सही मैं भूल पिटेडिट किया गाइस मितेश ने बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ कि अंकल को पूछा मैंने अंकल यहाँ पे क्या है अंकल ने सीधा स्ट्रेट में मुंह पे बोल दिया ऐसा सोचा भी नहीं कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं है बोलते वो बहुत आया मितेश एकदम प्यार से पूछा अंकल यहाँ पे क्या है कुछ नहीं मैं देखा नहीं गाइस मैं लाइफ में पहली बार सुन रही हूँ कि साइकिल भी बचपन में रेंट पे मिलता था 2 रुपए का आधे घंटे का 2 रुपया 1 घंटे का 10 रुपया छोटे जो ना अगर गियर वाले देंगे तो 10-15 रुपए एक्स्ट्रा जाते थे 5 रुपए आधा घंटा 10 रुपए 1 घंटा बड़ी साइकिल का अलग प्राइस और छोटी साइकिल जो देते ना नॉर्मल बड़ी साइकिल देती है उसके अलग प्राइस वेट करना पड़ता है कि अपनी साइकिल कभी आएगी अपनी जो फेवरेट रहेगी मेरे मैं और दुख नहीं सुन सकती तेरे स्टोरी में प्लीज मैं तेरी और दुख भरी राजस्थान हम लोग के घर वालों ने हमको साइकिल नहीं खरीद के ये क्या है एक मिनट सबके घर में छोटे भाई को नहीं बड़े भाई को नई चीज़ें मिलती है अभी छोटे पर कुछ तो मिलता है छोटे को यहाँ पे मिला ही नहीं क्यों ऐसे ही ऐसे शक्ल मत बना पप्पा देखेंगे ना तेरे वीडियो चमाट मारेंगे तुझे पप्पा ने तो नहीं लेके दिया पप्पा ने तो नहीं लेके दिया क्यों नहीं दिया लेकिन पता नहीं अभी तक रीजन मालूम नहीं पड़ा है तू घर पे जा उनको पूछ और उनका रिएक्शन रिकॉर्ड कर वीडियो में आना चाहिए साइकिल नहीं लेके दिया मेरे को आपने पर अभी देखो ये टास्क है घर पे जाओ उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करिए पूछते कुछ नहीं रिएक्ट करेंगे चलेगा वही रिएक्शन चाहिए और हमको ये व्लॉग में डालना है पापा क्या रहे और तू भी ओ भाई और से हर बर्थडे में साइकिल आता तुम्हारे में किसका मेरा हर बर्थडे में मुझे था ठीक है मैं बर्थडे में था मैं तो एडमिट हुआ था एक बार 8th में दोस्तों 8th या 7th में तो मैं बोला अभी तो साइकिल का चांस लगने वाला है बोले ठीक है अभी तो बाहर निकल और साइकिल जो दिन डिस्चार्ज हुआ ना वो दिन ऑटो में साइड में बैठा था साइकिल का दुकान आया ना तो ऐसा देखा ना पापा साइकिल शाम को आ रहे लेने के लिए शाम आई नहीं कभी बुरा हुआ तेरे से रो मत यार ये बहुत डिप्रेसिंग स्टोरी है हम हंस रहे हैं लेकिन काफी डिप्रेसिंग बहुत सैड स्टोरी है अरे नहीं मतलब मेरे भाई का खरीदा था एक बार चोरी हो गया पर वापस इधर हम लोग साइकिल लेके अंकल आपको साइकिल मिला है आपको बचपन में साइकिल मिला है पापा ने साइकिल मिला है मिला है आपको क्या आपको बचपन में साइकिल मिला है पापा ने साइकिल मिला है क्या आपने अंकल हाँ बोल देते तो थोड़ा मजा आ जाता मैं इधर खुश हूँ ऐसा मैंने सुना तो कोई चोरी करके ले गया तो कलर भी चेंज कर दे ऐसा मेरा हुआ है मेरा यहाँ पे साइकिल चोरी हुआ था बहुत साल पहले साइकिल चोरी हुआ बाजू के कोई तो विंग के कोई तो वॉचमैन ने जब भी चोरी किया था मुझे मेरा साइकिल था ब्लैक उसको पर्पल पेंट करके इधर ही चलाता था मैंने फिर पापा को बोला मेरे अरे मेरा साइकिल उसको पकड़ा हाँ तभी थे मेरे पापा ये क्या रे बचपन से गायब नहीं थे बीच में हुए हैं तो मेरे पापा गए उसको बोल रहे अरे बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे बेटे का साइकिल फिर दे दिया उसको हाँ तो क्या करेंगे अभी अच्छा नहीं लग रहा ज्यादा कलरफुल साइकिल दिखा मतलब समझ आने के लिए चोरी का साइकिल है पेंट मारा हो मतलब हाँ स्प्रे पेंट एकदम चीप